नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं पाठशाला। आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी थी सर, BHU MCOM का जो अनऑफिशियल कट ऑफ है वो कब तक आएगा। सो फाइनली अवेलेबल हो चुका है। आप सभी लोग अपने एडमिशन की पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हो। हम लोगों ने ये जो आपका कट ऑफ बनाया है लास्ट ईयर के ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट के रेफरेंस पे बनाया है। सो फाइनली आप लोग इसको देखें और कहीं ना कहीं अपने एडमिशन की पॉसिबिलिटीज को जांचें, समझें कि हाँ हो जाएगा, नहीं होगा तो और भी यूनिवर्सिटीज के लिए आप अभी से लिस्टिंग शुरू कर देना। इसीलिए हम लोग कट ऑफ पे वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको पता चल जाए कि एडमिशन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो आदमी और भी तो कुछ सोचेगा, अपना एक दूसरा ऑप्शन लेकर चलेगा। ठीक है, जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ये कुछ कैटेगरीज हैं। पीएच के बच्चे, अगर यानी कोई दिव्यांग बच्चा मेरी वीडियोस को देख रहा हो तो ध्यान देना, आपको कॉलिंग चली जाएगी क्योंकि 3% रिजर्वेशन होता है, बच्चे बहुत कम होते हैं। जनरल के लिए लगभग आउट ऑफ 300 यानी 300 में आप 160 माइनस 10 यानी लगभग दूसरे राउंड तक या तीसरे राउंड तक 10 माइनस हो जाएगा, तो आप 160 से 150 के आसपास हो तो आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज है डीएमसी यानी मेन कैंपस में। ओबीसी 140, ईडब्ल्यूएस 150, एससी 120, एसटी 100, ठीक है। और ये लगभग -15 यानी यहां से तीन में -15 करना है, यहाँ पे -10 करना है। लगभग ये मैं 3 से 4 राउंड तक आपका कट ऑफ बता दिया, अगर ये माइनस करोगे तब। बाकी ये पहली लाइन वाले में अगर आते हो तो इसका मतलब आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इससे ज्यादा है तब तो और बढ़िया है, फिर तो होना ही है। इससे थोड़ा कम है यानी 10 नंबर तो भी एडमिशन की पॉसिबिलिटीज है, 15 नंबर तो भी एडमिशन की पॉसिबिलिटीज है। अब 30 नंबर 40 नंबर पीछे हो तब मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अब जाके अपना आंसर की मिलाओ और कमेंट करके बताओ कि आप इस कट ऑफ में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, इस वीडियो को जरूर लाइक करें क्योंकि ऐसे फ्री वीडियो बहुत कम यूट्यूब पे हैं। ठीक है, तो मुस्कुराते, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।